हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ब्लॉग सरिता सिंह के चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और ये हमारे किट्टू बैठा है, कुछ सुनाओ। आज सुबह से तुमने क्या किया? सामने कैमरे में और एक्सरसाइज भी की। अरे वाह, और फिर क्या किया? उसके पहले मैंने एक्सरसाइज की, फिर योगा करा, फिर खाया पिया। फिर खाया पिया और क्या किया? इडली को मारा। अच्छा, परेशान कर रही थी। अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी मैं जो ब्लॉग है काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। और ये हमारा किट्टू है, मेरे देवर का बेटा है ये, और इसकी बहन सिद्धि भी आई हुई है। सिद्धि जो मुरादाबाद में रहती है, वो आई हुई है। वो अपनी नानी के पास रहती है, अब यही रहती है अपनी मम्मी के पास, क्योंकि वो यही उसने एडमिशन कराया है, तो यहीं पढ़ती है। सिद्धि से मैं आपको मिलवाती हूँ। ये सिद्धि है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अपनी नानी क्या रहती है, ये अपनी नानी क्या रहती है, और ये आई हुई है। और ये अवन बैठे हुए हैं, मेरा बेटा, तो ये भी आ गया है। और ये अब चला जाएगा, छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो सिद्धि तुम सुनाओ, नानी क्या क्या करती हो? मैं नानी के मतलब पहले उठ के ब्रश करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद खेलने जाती हूँ, उसके बाद खाना खा रही हूँ। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? नानी के अच्छा लगता है, मुझे दोनों जगह अच्छा लगता है। दोनों जगह अच्छा लगता है। रिद्धि की चली गई है, अभी गई है, उसकी मम्मी का फोन आया था ना। हाँ, अच्छा, तो रिद्धि तुम्हारी बहन है? रिद्धि से तुम्हारी बनती है कि लड़ाई होती है? लड़ाई होती है। सो फ्रेंड्स, ये रिद्धि और सिद्धि जो हैं वो जुड़वा बहने हैं, और बिल्कुल भी नहीं लगती है चेहरे से कि ये जुड़वा हैं, क्योंकि रिद्धि जो है वो बिल्कुल अलग है, और ये सिद्धि है ये भी बिल्कुल अलग ही लगती है, लगती नहीं है जुड़वा हैं फ्रेंड्स। और ये किट्टू है, क्योंकि रिद्धि जो है वो बड़ी है, और ये सिद्धि है ये उससे छोटी है, और वो किट्टू बैठा है उससे छोटा वो किट्टू है। सो फ्रेंड्स, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए, अब मैं फ्रेंड्स आपको अपने ओरियो से भी मिलवाती हूँ। ये हेलो ओरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक दिन ये बाहर खेल रहे थे, तो इन ये देखिए कितना बुलाव तुरंत आता है, तुरंत फ्रेंड्स, और अब बड़ा भी हो गया है। और ये देखिए, इसके बाल भी निकल आए हैं। गाइस, मैं खेल रहा था पूरा गोल्ड, अब गाइस ही लेवल 4 होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। इस लड़की का ड्रीम था पिंक कलर के डायमंड को दिलवाना। अगर गाइस मैं इसको ये पिंक कलर के डायमंड दिलवा दूं तो एक लेवल बहुत ही अच्छा है हमारा ओरियो फ्रेंड्स। ये तीन कुत्ते आ गए थे, ये गली में घूम रहा था, मैं गेट पे ही झाड़ू लगा रही थी, तभी तीन कुत्तों ने इस पे हमला कर दिया और ये बेचारा जख्मी हो गया। अब देखिए, डॉग ही डॉग के दुश्मन होते हैं, जैसे इंसान ही इंसान का दुश्मन है, तो इसी तरीके से जानवरों में भी यही है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है, उसी तरीके से डॉग भी डॉग का दुश्मन है। बस फर्क इतना है कि ये जो है ये अंग्रेज है, और वो जो है वो हिंदुस्तानी है, तो शायद हो सकता है कुछ इसी चीज़ का फासला हो, इसीलिए डॉगी डॉग को काटने को दौड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा है ना, वाइट वाइट सा, तो अंग्रेज़ी लगता है। और ये जो फ्रेंड्स, ये हमारी दीवार में सीलन आ गई है, इस वजह से पूरी पुट्टी जो पुताई है ये सब निकल गई है। और अरे, इसके पीछे जो है वो बाथरूम है, इसीलिए यहाँ पे सीलन आ रही है। ओरियो, इसकी बॉल का है? और ये क्या कर रहा है? किट्टू, तुम्हें स्कूल में अच्छा लगता है? ट्यूशन वाले सर मारते तो नहीं है? नहीं, वो स्कूल में ना गंदे बच्चे रहते हैं, बैट से मारते हैं बच्चों को। हैं? मैं
मुझे उड़ाता हूं ना मैं मार देता हूं या मैं शिकायत कर देता हूं। अच्छा और गंदे बच्चे ना है। स्कूल अच्छा है। स्कूल अच्छा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओरियो काफी बड़ा हो गया है। पर एक बात है फ्रेंड्स, ये नहाता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये नहाता है। ओरियो सुपर है, सारे कार्ड जितने दिखा रहे सारे ओरियो। अब देखिए ये है, ये भी सुपर है। सिद्धि तुम्हारा भी तो चैनल है। किस पे? इंस्टाग्राम पे है? यूट्यूब पे है। उसपे क्या करती हो? शॉर्ट्स बनाती है, मैंने देखे हैं इसके वीडियो। और किट्टू तुम्हारा भी चैनल है? रिद्धि का? रिद्धांत नाम का कोई है लड़का, शायद वो किट्टू ही है। फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है? ये जूते सब उठा लाता है, ये खासकर रावण का जूता जरूर उठा लाता है और ये सब खराब कर देता है। ये फ्रेंड्स ये बिस्तर भी मुझे सही करना है और ये सब साफ करना है। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा काम, क्योंकि सुबह का टाइम है, काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कपड़े वपड़े भी मुझे तहाने हैं, बाकी कपड़े मैंने बालकनी में डाले हैं उन्हें भी मैंने तहाना है। तो ये बिस्तर मैं पहले सही कर लेती हूँ, उसके बाद ही ये टेबल पोछती हूँ। ये शूज़ वाली टेबल है फ्रेंड, इसको भी पोछना है और इधर भी सिंगारदान भी पोछना है और ये चेयर भी सही करनी है। सो फ्रेंड्स काम कर लेते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा और हमारे वीडियोस को पूरा देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स ओरियो ये बैठे हुए हैं और ये अब नहाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से ये नहाते हैं क्योंकि इनको जो है नहाने से काफ़ी प्रॉब्लम है। इन्हें पकड़ो नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाओ, तो ये नहाते नहीं हैं। मैं लाइट खोल देती हूँ रूम की। तो देखिए ये बैठे हुए हैं। ओरियो तुम नहाते क्यों नहीं हो, बोलो। तो मैं इसको इस तरीके से बांध के नहलाती हूँ फ्रेंड्स, की देखकर भी मुझे बड़ा तरस आता है। मैं इसे जो दुकान है मेरे मकान के नीचे जो दुकान बनी हुई है, तो वो दुकान में मैं जो खंभे कोने पे लगे हुए हैं तो उसमें मैं इसको बांध देती हूँ। उसके बाद समर से खोलती हूँ तो उसके पाइप जब उसका प्रेशर उसके ऊपर गिरता है तो बहुत तेज से भौंकता है कि मतलब मुझे क्यों नहला रहे हो। मैं इसी तरीके से फ्रेंड्स नहलाती हूँ इसको। काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बबीता आई थी काम करके चली गई। तो ये देखिए इस तरीके से किचन भी पूरा ठीक से सही नहीं करती है। और मैं सुबह फ्रेंड्स जब मैं चिड़ियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रख देती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें पानी रखा हुआ है, यहाँ पे मैं चावल डाल देती हूँ ताकि चिड़िया जो हैं वो आराम से खा सके। और इधर हमारे ओरियो बैठे हुए हैं, हमारे जो आवन थे वो भी चले गए हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाली हूँ तो मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था। व्यस्त हो गई थी बच्चों में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने सोचा ये बच्चे तो चले जाएंगे, ब्लॉग तो मैं बनाती ही रहूँगी, तो इसी वजह से मैं अपने काम में व्यस्त हो गई थी। ये देखिए कैसे चेहरा कैसा हो गया मेरा, मुझे इतनी ज़्यादा लैटरिनें आ गई, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कुछ पौधे भी लेकर आई हूँ। इतनी तेज़ फ्रेंड्स धूप है कि बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। तो ये देखिए ये पौधा मैं लेके आया, पौधा फ्रेंड्स मुझे 200 रुपए का दिया है। ये देखिए काफ़ी प्यारा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पौधा, ये 200 रुपए का दिया है। और ये तुलसी मैया जो हैं ये 50 रुपए की दी हैं दुकानदार ने। ये सबसे महंगा, सॉरी फ्रेंड्स सबसे महंगा ये पौधा है। फ्रेंड्स ये जो पौधा है ये इतना खूबसूरत है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये 200 रुपए का पौधा मिला है मुझे। और ये वाला जो है ये 50 रुपए की तुलसी मैया लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि दुकान पे ये
₹50 की ये पौधा दिया है तुलसी मैया का, क्योंकि घर के आंगन में तुलसी मैया होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये पौधा लेके आई हूँ। और ये जो है ये मनी प्लांट, तो आप जानते हैं ये मुझे ₹80 का दिया है दुकानदार ने। मुझे मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है भाई गुलाब, तो ये पिंक गुलाब का पौधा है, इसमें अभी गुलाब नहीं आया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो मैं अभी ये कुल 4 पौधे लेके आई हूँ। मैं धीरे धीरे ही और पौधे लाऊंगी ताकि मेरे घर में भी हरियाली हरियाली नज़र आए। हमारे ओरियो जो हैं वो काफ़ी टॉयलेट कर देते हैं। देखिए ये बबीता ने पायदान धुला है, इतनी बदबू आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बेटी की वजह से मैं इसको रख रही हूँ, क्योंकि ये अब क्या करता है ये फ्रेंड्स, ये बड़ा हो गया है तो ये टांग उठा के टॉयलेट करने लगा है। पहले क्या करता था, ये बैठ के करता था, अब ये कहीं भी जहाँ भी देखो ये कोने में टॉयलेट कर देता है। जैसे बड़े डॉगी नहीं करते, बड़े कुत्ते लोग करते हैं टांग उठा के, वैसे ही कर देता है। कहीं दीवार पे कर देगा, कहीं ये जीने के कोने पे कर देता है, कहीं ये पायदान पे टांग उठा के कर देता है। तो इस तरीके से ये टॉयलेट करता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है। बदबू तो इतनी आती है बरसात में फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये बबीता जो है काम करके गई हैं, चप्पल ये देखिए जीने पर रख के गई हैं, तो इसी तरीके से ये काम करती है। और मेरा ओरियो जो है वो इतना अच्छा है, कभी कभी तो मुझे काफ़ी गुस्सा आती है कि ये टॉयलेट करता है तो मैं इसे किसी को दे दूं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ये है तो मैं हूँ, क्योंकि ये जब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो ये पूरे घर की देखभाल करता है। ये नीचे जाके ज़रा सा भी कोई भी गेट पे खड़ा हो तो ये इसे पता चल जाता है, ये तुरंत भौंक भौंक के उसको भगा देता है, चाहे जानवर हो, गाय हो, भैंस हो। एक दिन तो फ्रेंड्स इस पे तीन कुत्ते जो थे वो इस पे एकदम से अटैक कर दिया और ये काफ़ी घायल भी हो गया था। तो ये ठीक हो गया, मैंने डिटॉल से इसको साफ़ किया, इसकी दवाई लगाई, तो अब ये ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इस तरीके से ये टॉयलेट करता है, ये देखिए। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आगे न्यू ब्लॉग भी फिर से मिलते हैं। सो बाय बाय।